अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जनरल मैथ्स का लेक्चर नंबर 6 है। आज हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेटा ये सिंथेटिक डिवीजन भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की एक टाइप है। इसमें भी हम पॉलिनोमियल्स को ही डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। तो इसकी डिवीजन हम आज पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है गिवन दैट एक्स इक्वल्स टू टू इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, फाइंड द अदर वन रूट। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसकी कितनी रूट्स आएंगी, 2 रूट्स आएंगी, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 की कितनी रूट्स आएंगी, 3 रूट्स आएंगी। ये मैंने आपको पहले फिजिकल क्लासेस में बताया था कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उतनी ही उसकी रूट्स बनेगी। अब देखिए यहाँ पे एक रूट दी भी है और दूसरी रूट हमने सिंथेटिक डिवीजन से निकालनी है, ठीक है। अब आप ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, इसके कोफिशियंट्स को यहाँ राइट करें 1, फिर x का कोफिशियंट 1, फिर कॉन्स्टेंट इज माइनस 6। अब ये जो आपके पास रूट दी हुई है 2, इसको यहाँ पे राइट कर लें। उसके बाद आपने ये जो 1 है इसको एज इट इज नीचे उतारना है, ठीक हो गया। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है 2 1 2। अब इनको ऐड करें 3, 2 3 इज 6। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। याद रहे हमारे पास ये जो 0 है वो रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा इट मींस ये 2 जो है वो फैक्टर होगा या फिर रूट होगा इस पॉलिनोमियल की, जो हम पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल पे 2 को डिवाइड कर रहे हैं वो आपके पास 2 जो है उस पॉलिनोमियल का फैक्टर या फिर रूट होगी अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ चुका है इट मींस क्वेश्चन में सही गिवन था कि x जो है वो इस पॉलिनोमियल की रूट है। अब हम आते हैं रूट निकालने की हमने। अब आप देखें हमारे पास है 3 और 1, 0 या रिमाइंडर जो है वो 0 हो चुका है। अब हमारे पास ये चीज बची है, अब यहां से आप ये जो लास्ट टर्म है इसको आप कॉन्स्टेंट कंसिडर करें, ये कॉन्स्टेंट, इससे हमने पॉलिनोमियल बनानी है। बचो 3 को आप कॉन्स्टेंट लिखें, फिर पॉजिटिव 3 है पॉजिटिव 3 लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें ये कांस्टेंट के बाद आपके पास क्या आता है वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या होगी 1, तो ये x आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको 0 के इक्वल कर लें, 0 के इक्वल करने के बाद आपके पास यहां से रूट आ जाएगी विच इज -3। द अदर रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल नॉमियल इज -3, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखें, गिवन दैट x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल दी हुई है और उसकी एक रूट दी हुई है x इक्वल्स टू 3, और हमने क्या करना है फाइंड अदर टू रूट्स। इसकी टोटल रूट्स कितनी बनेंगी, 3, जिसमें से एक हमें गिवन है और बाकी 2 हमने निकालनी है। हाँ जी, पहले कोफिशियंट्स राइट कर लें 1, फिर -2, फिर -5, फिर 6, ठीक हो गया। ये 3 यहाँ पे, उसके बाद ये 1 जो है एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 -2 इक्वल्स टू 1, 3 -2। देखें इनको हम जब ऐड करेंगे तो -2 आंसर आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 से आंसर इज -6। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 0, विच इज रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ चुका है। इट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में जो x इक्वल्स टू 3 गिवन था वो वाकई रूट है किसकी, इस पॉलिनोमियल की। अब हम बाकी 2 रूट्स निकालते हैं। अब आप इसको अरेंज कर लें अगेन पॉलिनोमियल की फॉर्म में, -2 कांस्टेंट, उसके बाद आएगा x का कोफिशियंट, तो ये आपके पास 1x आ जाएगा, x जो है वो पॉजिटिव है, उसके बाद आप लिखें एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद इसको 0 के इक्वल कर लें, फिर आप यहाँ पे बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यहां से रूट्स निकाल लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है आपके पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम जाके अपनी वैल्यूज पुट करते हैं जिसमें से आपके पास क्या है
ए इक्वल्स टू वन है, बी इक्वल्स टू वन और सी आल्सो इक्वल्स सी इक्वल्स टू माइनस टू. ओके, एक्स की वैल्यूज निकालें, बी की वैल्यू पुट करें, माइनस वन प्लस माइनस बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस फोर, फोर फॉर्मूले वाला. ए की वैल्यू पुट करें, ए इक्वल्स टू वन, सी इक्वल्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाय टू ए, ए इज वन. एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस माइनस प्लस एट डिवाइडेड बाय टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट नाइन बाय टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस नाइन है, नाइन को हम थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर यहाँ पे थ्री आ जाएगा. एक्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज दी हुई है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इसको आप टू टाइम लिख लें, एक दफा पॉजिटिव थ्री लिख लें, सॉरी यहाँ पे एक दफा पॉजिटिव थ्री लिख लें, माइनस वन प्लस थ्री बाय टू और एक दफा इसको नेगेटिव लिख लें, माइनस वन माइनस थ्री बाय टू. एक्स इक्वल्स टू यहां से आपके पास आ जाएगा ये टू बाय टू और एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर बाय टू, एक्स इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस टू. अब ये जो वन और माइनस टू आए हैं ये क्या है, आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ठीक है, ये टू रूट्स हमने निकालनी थी, टोटल हमारे पास कितनी रूट्स हो गई, थ्री रूट्स, एक हमारे पास गिवन थी बाकी टू हमने खुद निकाली. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल थर्ड, उसमें आपके पास है एक पॉलिनोमियल दी हुई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू. देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब डिवीजन दो पॉलिनोमियल्स होंगी डिवाइड हो रही होंगी, लेकिन तब आपके पास एक मेंशन होगा कि आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही टॉपिक का नेम ही सिंथेटिक डिवीजन लिख लिया था, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करी कि आपने इसको डिवाइड इसकी डिवीजन बाय सिंथेटिक मेथड करनी है. ठीक है, तो अब देखिए पहले तो आप यहां से इसको जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टू. अब ये माइनस टू आपके पास क्या है, फैक्टर है या फिर रूट है जो कि हम यहां पे लिखेंगे और रूट से डिवाइड करेंगे. हाँ जी, एक्स क्यूब का कोफिशियंट वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट फाइव, एक्स का कोफिशियंट सेवन एंड कॉन्स्टेंट इज टू. वन एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करें, माइनस टू इन दोनों को ऐड करें आपके पास थ्री आ जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल्स टू माइनस सिक्स, यहां पे आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर इज वन. माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स टू माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे माइनस टू लिखें. ठीक हो गया, उसके बाद इन दोनों को ऐड करें आंसर इज जीरो विच इज रिमाइंडर. रिमाइंडर इज जीरो, इट मीन्स माइनस टू इज द फैक्टर और द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में अरेंज करना है. पहले कॉन्स्टेंट इस यहां से स्टार्ट किया करें, ये आपके पास कॉन्स्टेंट एज इट इज कॉन्स्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए मैंने माइनस के साथ वन के साथ प्लस का साइन लगाया. उसके बाद आप आ जाए थ्री पे, देखिए थ्री आपके पास एक्स का कोफिशियंट, पहले कॉन्स्टेंट वैल्यू उसके बाद आएगी एक्स का कोफिशियंट उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, अगर आगे के भी हमारे पास कोई वैल्यू होती तो वो एक्स क्यूब का कोफिशियंट होता. ठीक है, इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे, पावर्स बढ़ाते जाएंगे.
अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे 1 आ रहा है, 1 मीन्स x स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है और इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको भी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करके यहाँ से 2 रूट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री आपके पास क्या है, 2 है, तो हमारे पास यहाँ से 2 रूट्स आएंगे। तो फार्मूला आपके पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले में कुछ करें, माइनस बी मींस माइनस 3, देखिए यहां से आपके पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आल्सो 1। तो ये वैल्यूज आप यहां पे पुट करें, माइनस 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c आल्सो 1 डिवाइडेड बाय 2, a 1। x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस, यहां से आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव, टू टाइम इसको लिख दें, माइनस 3 एक दफा पॉजिटिव वैल्यू लिखें, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास ये रूट्स आ गई, ये दो रूट्स आ गई इस पॉलिनोमियल की। एक रूट हमारे पास गिवन थी, टोटल इसके 3 रूट्स बननी थी, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, एक रूट हमारे पास गिवन थी और बाकी दो रूट्स हमने सिंथेटिक डिवीजन से निकाल ली। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल, वो मैं आपको करने के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं। देखिए एग्जांपल है आपके पास, आपने डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 को x प्लस 5 के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो x प्लस 5 दिया हुआ है इसको आप 0 के इक्वल रख के यहां से x की वैल्यू निकालना है, व्हिच इज माइनस 5। फर्दर आप क्या करेंगे, 3 7 कोफिशिएंट्स राइट कर लें, माइनस 20 और ये माइनस 5, ठीक है। उसके बाद आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे और आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए आगे जाके, या फिर डायरेक्ट रूट आ जाएगी आपके पास इसकी, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल और टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।